हेलो एवरीवन, वेलकम टू केएमसी काना मैथ कोचिंग। टुडे वी विल डू एक्सरसाइज 3.1, चैप्टर नंबर 3, प्लेइंग विद नंबर्स फॉर क्लास 6। सो लेट स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 3.2, व्हाट इज़ द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स एंड एनी टू इवन नंबर्स। आपको बताना है कि क्या सम होगा किसी भी दो ऑड नंबर का और किसी भी दो इवन नंबर का। तो हम करते हैं, व्हाट इज़ द सम ऑफ एनी टू, किसी भी दो ऑड नंबर को ऐड करोगे तो क्या आएगा। मैंने एग्जांपल लिया, हमारे पास एक ऑड नंबर 3 है, ठीक है, और एक ऑड नंबर 5 है, क्या आया 8, यानी कौन सा नंबर आया, इवन नंबर। तो आप किसी भी दो ऑड नंबर को ऐड करोगे तो हमेशा क्या आएगा, इवन नंबर, ठीक है। सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर इज ऑलवेज इवन। अगर आप किसी भी दो ऑड नंबर को ऐड करते हो तो वो हमेशा क्या आएंगे, इवन ही आएंगे, ठीक है, इवन नंबर। अब एक इवन नंबर ले लिया 2, एक ले लिया 4, क्या आया, इवन। अब किसी दो नंबर को ऐड करोगे, किसी भी दो इवन नंबर को ऐड करोगे तो भी क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। सम ऑफ एनी टू इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, क्या होंगे, हमेशा इवन ही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड स्टेट वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। देखने में तो इजी है कि ट्रू और फॉल्स है, ठीक है, ट्रू बताना है, फॉल्स बताना है, क्या आएगा, लेकिन हम जब तक विद एग्जांपल नहीं करेंगे तब तक हमको क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो डायरेक्टली हमें आंसर देने की नीड नहीं है, पहले समझो। द सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज इवन। आप ये कहते हैं कि 3 ऑड नंबर है, उसका सम, उसको ऐड करोगे तो क्या इवन आएगा। हम एग्जांपल से देख लेते हैं। 3 ऑड नंबर मैंने ले लिया, एक ले लिया 3, एक ले लिया 5, एक ले लिया 7, ये तीनों क्या है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर है ना, क्योंकि टेबल में नहीं आते। तो इनको अगर ऐड करोगे तो क्या वो इवन आएंगे। 3 एंड 5 8, 8 एंड 7 15, क्या वो इवन आए, नो नहीं आए ना इवन, तो इट मीन्स ये क्या है, फॉल्स है, ठीक है। तो किसी भी 3 ऑड नंबर को ऐड करते हो तो इवन नंबर नहीं आता। नेक्स्ट है, द सम ऑफ 2 ऑड नंबर एंड 1 इवन नंबर इज इवन। कहते हैं कि अगर आप किसी भी दो ऑड नंबर को, एक 3 और एक 5, इनको ऐड करते हो और साथ में एक इवन नंबर को ऐड करते हो, 2 ऑड नंबर एंड 1 इवन नंबर, और एक इवन नंबर ले लिया, अब ऐड करते हो, जो इनका सम आता है वो क्या आएगा, इवन आएगा। देखते हैं ये, हम 3 एंड 5 8 एंड 2 10, क्या आया, इवन आया, तो इट मीन्स ये क्या है, ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट है सी पार्ट, देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज ऑड। अगर आप किसी भी 3 ऑड नंबर का प्रोडक्ट करते हो क्या ऑड आएगा। 3 ऑड नंबर ले लिए, 3, 5 और 7, ठीक है, सॉरी ऐड नहीं करना इनको, हमें तो क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, यानी इनकी क्या करनी है, मल्टीप्लाई। तो 3, 5 और 7 है हमारे पास, इनका प्रोडक्ट कर दिया मल्टीप्लाई, तो क्या ऑड आएगा, 3। प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज ऑड, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 105, ठीक है, 105, और ये क्या आया, ऑड नंबर आया। तो अगर आप किसी भी 3 ऑड नंबर का प्रोडक्ट निकालते हो तो वो क्या आता है, हमेशा हमारा ऑड ही आएगा, ठीक है। 3, 5 जो 15, 15, 7 जो 105, ट्रू। इफ़ एन इवन नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 2, द क्वेश्चन इज ऑलवेज ऑड। अगर आप किसी भी इवन नंबर को 2 से डिवाइड करते हो, मेरे पास इवन नंबर 8 है, मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूँ तो क्वेश्चन ऑड आता है, 2, 4 जो 8, नहीं इवन आया, तो इट मीन्स ये क्या है, फॉल्स है, ठीक है। ऑल प्राइम नंबर आर ओड, क्या सभी प्राइम नंबर ओड होते हैं, देखते हैं। 3 क्या है, ओड है प्राइम नंबर, और 5 क्या है, ओड है, 7 प्राइम नंबर है, लेकिन 2 भी तो प्राइम नंबर है, लेकिन 2 तो ओड है ही नहीं, तो क्या आएगा यहाँ पर, फॉल्स, क्योंकि सभी प्राइम नंबर ओड नंबर नहीं होते। हम ये बोल सकते हैं प्राइम नंबर आर ओड, लेकिन ये नहीं कह सकते कि सभी प्राइम नंबर ओड होंगे, क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर तो ओड, 2 तो प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर है तो 2 इवन नंबर भी है ना। नेक्स्ट है एफ, प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर। प्राइम नंबर्स का कोई फैक्टर नहीं होता, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनका कोई फैक्टर नहीं होता, फॉल्स है। प्राइम नंबर है 1, प्राइम नंबर है हमारे पास 3, उसका कोई फैक्टर नहीं है, क्यों, 1 और 3 उसके फैक्टर भी तो हैं, जैसे 3 है तो 3 के फैक्टर 1 और 3 तो है ना, तो 2 तो होते ही है ना, तो प्राइम नंबर्स के कोई फैक्टर नहीं होते, ये भी क्या है, फॉल्स है। इसके बाद हमारा क्या दिया हुआ है आगे, जी पार्ट, सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज़ ऑलवेज इवन। अगर आप किसी भी दो प्राइम नंबर को ऐड करते हो तो क्या इवन आता है। दो प्राइम नंबर मैंने लिया, एक 7 और एक प्राइम नंबर मैंने ले लिया 11, क्या आप इनको ऐड करोगे तो क्या क्या आएगा, इवन आएगा। अगर आप इनको ऐड करोगे तो 18 आया, तो हमारा क्या आंसर आया जी का, अगर आप किसी भी दो प्राइम नंबर को ऐड करते हो तो हमारा क्या आएगा,
इवन ही आएगा। ठीक है, अब और भी एग्जांपल लेते हैं। एक बार दो प्राइम नंबर हमने लेने हैं, मान लो एक 13 ले लिया मैंने और एक मैंने क्या ले लिया 17, इनको ऐड कर दो, हमारे पास क्या आया 30, तो भी क्या आया इवन, इट मीन्स ये क्या है ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट है 2 इज़ ओनली इवन प्राइम नंबर, यस 2 एक प्राइम नंबर भी है और इवन प्राइम नंबर भी है। ठीक है, ट्रू। ऑल इवन नंबर आर कंपोजिट नंबर, क्या सभी के सभी इवन नंबर्स कंपोजिट नंबर होते हैं? सभी इवन नंबर्स हमारे पास, अभी सभी नहीं लेते हम, ऑल को छोड़ दो, इवन नंबर ले लो कोई भी। मैंने ले लिया, मैंने इवन नंबर ले लिया, जैसे मैंने 12। ठीक है, क्या ये कंपोजिट नंबर है? कंपोजिट नंबर पता है कौन से होते हैं? जो अपने आप की टेबल में भी आते हैं और दूसरों की टेबल में भी आते हैं, मीन्स जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे वो कंपोजिट नंबर होगा। अब 12 के फैक्टर 1 और 12 के अलावा और भी है ना, 2 है, 3 है, 4 है, तो 12 के तो 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, तो 12 एक कंपोजिट नंबर हो गया। इवन नंबर कौन से होते हैं? जो 2 की टेबल में आते हैं, ये इवन नंबर भी है, ये कंपोजिट नंबर भी है, तो 12 एक इवन भी हो गया, कंपोजिट भी हो गया। बट ये कहता है क्या सभी के सभी इवन नंबर कंपोजिट नंबर होते हैं? नो, 2 एक इवन नंबर है बट एक कंपोजिट नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2 जो है वो 2 की टेबल में आता है और किसी की टेबल में आता ही नहीं है, इसके तो सिर्फ 2 ही फैक्टर है। लेकिन कंपोजिट नंबर तो वो होते हैं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, इट मीन्स सभी इवन नंबर कंपोजिट नंबर नहीं हो सकते। हम ये कह सकते हैं कि इवन नंबर कंपोजिट नंबर होता है लेकिन सभी नहीं हो सकते, तो इट मीन्स ये क्या आएगा? फॉल्स। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज़ ऑलवेज, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज़ ऑलवेज इवन, क्या आप किसी भी दो इवन नंबर का प्रोडक्ट करते हो? मेरे पास इवन नंबर 4 है और एक 8 है, वो क्या हमेशा इवन ही आएगा? यस वो इवन ही आएगा, तो क्या आएगा यहाँ पर? ट्रू। आई होप आपको क्लियर हो गया। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करके जाएं।